अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने साजिश रची। 14 हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाने के लिए लाहौर और बहावलपुर में भी मीटिंग हुई है। लश्कर आतंकी संगठन की एक बड़ी मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर लाहौर में हुई है। इस मीटिंग में लश्कर का नंबर 2 का आतंकी आमिर अब्दुल रहमान मक्की शामिल था। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद में आज लोकसभा स्पीकर के नाम का फैसला कर दिया गया। एनडीए की ओर से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ओम बिरला के नाम पर एनडीए के सहयोगी दलों ने समर्थन कर दिया है। कई दिनों से 18वीं लोकसभा स्पीकर के लिए कई नामों की चर्चा चल रही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया है। बंगाल का बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की तबियत सोमवार मंगलवार 24-25 जून की देर रात बिगड़ गई। आप नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3 बजे NNJP अस्पताल में भर्ती कराया है। पार्टी ने मंगलवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर बताया आतिशी ICU में है। आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से जंगपुरा के भोपोल में अनशन पर बैठी थी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार 25 जून को दूसरा दिन है। सदन में बाकी बचे 281 सांसद शपथ लेंगे। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम शामिल है। वहीं स्पीकर और फ्लोर लीडर के नाम पर सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह सुबह 11:15 बजे एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। देश में आज के ही दिन 25 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवर्तन लाने में छात्रों की आवाज की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आरएसएस के युवा प्रचारक के रूप में उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि युवा आंदोलन का जोश और बढ़ गया था। नीट यूजी पेपर लीक केस में CBI ने गुजरात और बिहार से 1-1 मामले पर और राजस्थान से 3 मामलों में अपनी FIR दर्ज की। नीट के पेपर लीक की जांच में अब तक देश के 4 राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 शामिल है। घरेलू शेयर बाजार ने 25वें मंगलवार के कारोबारी सत्र में पॉजिटिव ग्रोथ के साथ ओपनिंग की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की बाजार शुरुआती कारोबार में 39.25 अंक बढ़कर 23,577 पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 87.88 अंक बढ़कर 77,529 पर पहुंच गया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हरा दिया। इस मैच में जीत हासिल करते ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने 92 रनों की पारी खेली है। BCCI ने वर्ल्ड कप के 6 बार जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल को मिली है। गिल ने IPL 2024 के दौरान गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी।